बिहार में दक्षिण पश्चिम मॉनसून पिछले दो दिनों से एक बार फिर सक्रिय हो चुका है। कई जिलों में हल्की या भारी बारिश हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार आज सोमवार यानी 2 अक्टूबर को पूरे बिहार के अधिसंख्य जिलों में वर्षा के साथ मेघगर्जन और वज्रपात की चेतावनी दी गई है। राजधानी पटना समेत 17 जिलों में भारी वर्षा का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग ने इन जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। 5 जिले औरंगाबाद, कैमूर, रोहतास, बक्सर और पश्चिम चंपारण में बहुत भारी वर्षा की चेतावनी दी गई है। वहीं पटना, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, सिवान, भोजपुर, अरवल, भागलपुर, बांका, जमुई, कटिहार और पूर्णिया जिले में भारी वर्षा की चेतावनी दी गई है। इन जिलों में 65 से 115 मिलीमीटर के बीच वर्षा के संकेत हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों तक मानसून सक्रिय रहने का पूर्वानुमान है। खासकर राज्य के दक्षिणी इलाकों में अधिक वर्षा होने की संभावना है। रविवार को भी राज्य के अधिसंख्य जिलों में हल्की या मध्यम स्तर की बारिश हुई है। कहीं कहीं भारी वर्षा भी दर्ज की गई। खासकर दक्षिण बिहार के जिलों में बदरी नुमा मौसम के साथ पूरे दिन वर्षा हुई। सबसे अधिक वर्षा पूर्णिया जिले के रुपौली में 69.2 और पूर्णिया शहरी क्षेत्र में 66 मिलीमीटर के साथ भारी वर्षा दर्ज की गई है। इसके अलावा प्रमुख रूप से वैशाली जिले के जंदाहा में 64.4, बेगूसराय के बछवाड़ा में 62, अररिया के नरपतगंज में 60.4, मुंगेर में 60.2 और समस्तीपुर में 58.2 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। बता दें आपको कि राजधानी पटना में शनिवार की अपेक्षा रविवार को 1.7 डिग्री की गिरावट के साथ अधिकतम तापमान 30.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। राज्य में सबसे अधिक तापमान गोपालगंज में 35.3 डिग्री दर्ज किया गया। सबसे कम तापमान गया में 28.6 डिग्री सेल्सियस रहा। पूरे बिहार में औसत तापमान 30 से 32 डिग्री के बीच रहा। बताते चले आपको कि मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार निम्न दबाव का क्षेत्र अब पश्चिम गंगीय, पश्चिम बंगाल एवं आसपास झारखंड के पास अगले 24 घंटे में उत्तर पश्चिम की ओर आगे बढ़ने की संभावना है। साथ ही एक द्रोणी रेखा गंगीय पश्चिम बंगाल से पूर्व उत्तर प्रदेश की ओर समुद्र तल से औसत 0.9 किलोमीटर ऊपर तक गुजर रही है। इन मौसमी घटकों के संयुक्त प्रभाव से अगले 3 दिनों तक राज्य में मानसून सक्रिय रहने का पूर्वानुमान है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी पोस्ट लाइव।